ये है राजमा पनीर। आप राजमा तो खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीका से राजमा चावल बनाई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है राजमा चावल। नमस्कार, कुक विद बीना में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त होंगे। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करें। यहाँ पर 4-5 घंटे हम राजमा को पानी में भिंगो कर रख दिया था। एक दालचीनी डाल दी, एक टुकड़ा, 2 इलायची, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 2 तेज पत्ता भी डाल देंगे। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर ढक्कन लगा के गैस पर चढ़ा देंगे। 4-5 सीटी आने तक इसको उबलने देंगे। जब तक राजमा गलेगा तब तक हम राजमा का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर टमाटर को हम काट लेंगे। टमाटर आपको ज़्यादा दिखता होगा क्योंकि यहाँ पर हम बगैर लहसुन प्याज के राजमा बनाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं बगैर लहसुन प्याज के राजमा कैसे बनेगा, तो आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर अदरक को भी हम टुकड़े टुकड़े काट लेंगे और 2 हरी मिर्च भी काट लेंगे और 5-6 काजू है ये भी डालेंगे। लहसुन प्याज की जगह हम काजू डाल देंगे। यहाँ पर पनीर ले लिया है और लंबे लंबे और मोटे मोटे टुकड़े में इसको काट लेंगे, क्योंकि राजमा में जो पनीर पड़ता है वो थोड़ा लंबा और थोड़ा बड़ा साइज पड़ता है। इस तरह से हम सभी पनीरों को काट लिया है। यहाँ राजमा भी उबल चुका है, अब देखिए हाथ से दबा कर देखते हैं, बिल्कुल गल चुका है राजमा। इसको एक छन्नी में हम छान लेंगे राजमा को। इस तरह से नीचे एक बर्तन लगा दिया है और एक कढ़ाई में सरसों तेल डालकर अदरक, मिर्ची, काजू सभी चीजों को मिला देंगे। टमाटर भी डाल देंगे। मसाला तैयार करने के लिए पका रहे हैं। ढक्कन लगा लगा कर इसको हम पकाएंगे। जब तक टमाटर गलता है तब तक पकने देंगे। टमाटर गल चुका है, अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे, तब इसको हम मसाला तैयार करेंगे। सेम कढ़ाई में हम पनीर फ्राई करेंगे। यहाँ हम तेल डाल दिया है और पनीर को हम फ्राई करेंगे। एक फोक से हम इसको ऊपर नीचे करके पलट देंगे। पनीर फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और इधर ठंडा भी हो गया मसाला यानी टमाटर, इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। यहाँ पर मैंने टमाटर को पीस लिया है, मसाला तैयार कर लिया है और सेम कढ़ाई में तेल डालकर 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ये सारे मसाला इसमें डाल दिया। थोड़ा पानी भी डाल देंगे क्योंकि मसाला जले नहीं। इस तरह से मसाला को भून लेंगे कम आँच में। और फिर ये पिसा हुआ जो टमाटर है ये भी डाल देंगे। आइए, पनीर फ्राई किया हुआ है इसको हम पानी में डाल देंगे, क्योंकि पानी में डालने से सॉफ्ट हो जाएगा।
ये राजमा मसाला है, इसमें कोई बाहर का मसाला नहीं है, जो हमारे रसोई में मसाला रहता है वही मसाला इसमें डालते हैं, कोई अलग से मसाला नहीं लाकर मार्केट से डाली हूँ, जैसे आप वीडियो में देख ही होंगे। हाँ, एक एक्स्ट्रा लहसुन प्याज की जगह मैंने यहाँ पर काजू डाल दिया था मसाला में, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब हल्के आंच पर इसको हम मसाला को भून रहे हैं, आप देख रहे हैं साइड से तेल छोड़ रहा है। अब इसके अंदर हम राजमा डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको मिला लेंगे, ऊपर नीचे करके मिलाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना खुशबू आ रहा है बनाते समय में। हम इसमें हम पानी डाल देंगे, आपको जितना जरूरी लगे पानी उतना आप डाल सकते हैं। फिर हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। आप देख रहे हैं मसाला खोल रहा है राजमा, इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। एक गरम मसाला डाल देंगे, फिर कसूरी मेथी डाल देंगे और हल्के हाथों से मिला लेंगे इसको। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक मैं नहीं डाली थी क्योंकि राजमा में डाल चुकी थी, हमें लगा यहाँ पे नमक थोड़ा कम है इसीलिए मैंने थोड़ा और नमक डाल दिया। 2-4 मिनट तक इसको पकने देंगे, फिर इसके अंदर हम ये पनीर डाल देंगे, फ्राई किया हुआ पनीर। इसको मिला देंगे, नीचे ऊपर करके मिला देंगे, फिर इसके अंदर हम हरा धनिया भी डाल देंगे। देखिए लग रहा है ना रेस्टोरेंट का राजमा पनीर है, कोई कह ही नहीं सकता है घर में बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, एक बार ट्राई आप जरूर कीजिए। जब भी आपको राजमा खाना हो तो इसी तरह बनाइए राजमा पनीर। अब हम चावल भी बनाएंगे, क्यों राजमा अकेले तो खा नहीं सकते इसलिए चावल के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास बासमती चावल हमने लिया है, इसको अच्छी तरह 2-3 पानी से साफ कर लिया और पानी उबला हुआ है उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल दिया है और चावल साफ करके इसमें डाल दिया है पकने के लिए। उबालेंगे चावल को, थोड़ा 2-4 बूंद हम नींबू के रस भी डाल दिया है, इसे बहुत खिला खिला चावल बनता है नींबू के रस से। चावल को बीच बीच में आप देखते रहिए क्योंकि चावल गीला ना हो, ज्यादा पके नहीं, अगर ज़्यादा चावल पक जाएगा तो राजमा के साथ अच्छा नहीं लगेगा। तो चावल पक चुका है, उबला हुआ चावल है, इसको हम पानी निकाल देंगे इस तरह से। अब एक प्लेट में हम देखिए चावल एक एक खिला खिला चावल है, कहीं एक दूसरे में टच नहीं चावल है, बहुत अच्छा चावल बना है।
उसी प्लेट में अब हम राजमा रख रही हूँ चावल के ऊपर, राजमा चावल, और चम्मच से मिलाकर आप खाइए और खिलाइए। इस तरह से बनके तैयार हुआ है। आपको मैं कैसे बताऊं कितना स्वादिष्ट बना है, जब आप बना कर खाएंगे तब आपको पता चलेगा से कितना बढ़िया बनता है। अब एक बाउल में हम निकाल लेंगे ये राजमा, मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरा उम्मीद यही रहता है कि मैं जो भी कुछ बनाऊं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक प्लेट में सर्विंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको एक हंसी की बात बता रहा हूँ, उसी दिन मेरा कोई रिश्तेदार आ गया था, अब मैं यही राजमा चावल उनको खिलाई थी, बहुत खुश हुए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। नमस्कार।